हेलो दोस्तों, मिस्टर जाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है आप लोग का। तो देखिए, ये टेक्नो का फ़ोन, ये इसका चार्जिंग प्रॉब्लम है, बहुत सोले चार्जिंग उठा रहा है ये। तो इसको देखेंगे आज हम। देखिए, पिन भी खराब है इसका, चार्जिंग ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, और सोले चार्ज उठा रहा है बहुत। अभी तो सो ही नहीं कर रहा है, नया कोड लगाएंगे तब उठेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जल्दी चार्ज नहीं होता है, बहुत सोले चार्जिंग। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका सिम कनेक्टर निकाल लीजिए। यह सिम कनेक्टर, अब इसको हम खोलते हैं। यह पैकेज नहीं होता है, ये ऐसे ही खुल जाएगा। देखिए, अच्छी ये खुल जाएगा, ऐसे नहीं खुलता है। तो आप इसका ट्वीज़र ले सकते हैं। देखिए, खुल रहा है। चारों तरफ ऐसे घुमाइए हाथ को। देखिए दोस्तों, ये खोल गया है, ये पैक नहीं होता है, ऐसे ही खुला हुआ होता है। इसको हम साइड में रखते हैं, और इधर तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इधर खोल के काम करना है हमको। इसको खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये खोल गया है। अब इसका कनेक्टर को निकाल लीजिए, ऐसे हाथ से भी निकाल सकते हैं आप। और ये इंटीनर को निकाल लीजिए, ये खोल के बाहर आ जाएगा। अब फोन का हम हटा देते हैं। ये देखने में लगता है बहुत बड़ा फ़ोन है, लेकिन इसका काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, आगे देखते हैं हम इसका साइड में करके। देखिए, इसका चार्जिंग पिन किसी ने चेंज किया था। सबसे पहले हम चार्जिंग पिन को चेंज करते हैं, सोलो चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो इसमें हम थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं। अरे दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ से ये पेस्ट ये माइक में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये माइक में काम नहीं करेगा, सेफ्टी में काम करना है। अभी हम असेंबली को रखे हैं 300 हीट में, 250 एयर में। तो आप अपना हिसाब से रख सकते हैं इसका हीट एयर। देखिए दोस्तों, ये निकल गया है। इसको हम डिसोल्डरिंग वायर से इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा। ये डिसोल्डरिंग वायर का कार्बन को हम साफ कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लगाते हैं इसमें पेस्ट, उसके बाद इसको साफ करते हैं। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि पिन लगाने में आसानी हो। इसको हम थिनर के मदद से थोड़ा साफ कर लेंगे। ये थिनर का भी आपको ध्यान रखना है, ये माइक में नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, इसमें यामाई का चार्जिंग पिन लग जाता है, तो चलिए उसी को लगाते हैं, वही पिन इसमें लगा होता है। इसमें यामाई का चार्जिंग पिन लग जाता है, देखिए ये वाला। देखते हैं इसमें फिटिंग करके, तो देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ गया है। अच्छा, पिन को हम थोड़ा थोड़ा सॉल्डिंग कर लेते हैं ताकि लगाने में आसानी। इसमें सॉल्डिंग कर लेते हैं।
ये पेस्ट में इतना जल्दी नहीं पकड़ता है, दूसरा लगाते हैं। देखिए इसने पकड़ लिया है। देखिए दोस्तों इसको सोल्डिंग कर दिया है, अब इसको हम लगाते हैं इसमें। इसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे, उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग का भी आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो इसके अंदर घुस जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा बाद में। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है। इसमें भी हम थोड़ा पेस्ट दे देते हैं और इसको हम सॉल्डिंग कर देते हैं। पांचों पिन को अच्छी तरीके से सॉल्डिंग कर देना है। इसको हम साफ कर देते हैं अच्छे से। इसको एक बार चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 5 वोल्ट 12 वोल्ट यानी कि आ गया है पूरा सप्लाई। चलिए इसका हम फिटिंग करते हैं फटाफट, देखते हैं फिर। अब दोस्तों इसका ये कवर को लगाना मत भूलना, इसको लगाने से टाइट फिटिंग होकर लग जाएगा ये पिन। इस तरीके से डाल दीजिए, इसके बाद इसको फिटिंग कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से कर सकते हैं। एक बार ऐसे ही देख लेते हैं हम चार्ज में लगा के या उठ रहा है या नहीं। तो देखिए अभी चार्जिंग उठ रहा है, देखिए देखिए। इसको निकाल के हम टाइट कर देते हैं इसको फटाफट। इसको लगा देते हैं हम फटाफट। अरे दोस्तों आपको ये ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपका डिस्प्ले टूट सकता है। इधर से आप टाइट कीजिएगा, उधर से डिस्प्ले फट के निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल फिटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसका हम ढक्कन को लगा देते हैं जैसे था वैसे ही। तो इसको अब हम चेक करते हैं चार्ज में लगा के। तो देखिए दोस्तों ये अभी चार्ज हो रहा है चार्ज। देखिए अब देखिए ये पहले बहुत हिल रहा था लेकिन अभी नहीं हिल रहा है, टाइट हो गया है बिल्कुल। देखिए अब चार्ज उठ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसका परसेंट बढ़ता है या नहीं। तो अभी 3:59 3:59। तो चलिए हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं।